उत्तराखंड में हरिद्वार लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खानपुर से विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा विधिवत तौर पर बसपा में शामिल हो गई हैं। सवाल यह है कि उत्तराखंड में खासकर हरिद्वार लोकसभा सीट पर लोकसभा का चुनाव बसपा के टिकट पर कैसे लड़ा जाएगा और क्या पार्टी से इसको हरी झंडी मिल चुकी है। इसी पर बात करने के लिए खुद सोनिया शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया जी, आपका स्वागत पीजीटी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी, विधिवत तौर पर बसपा में शामिल हो गई हैं, अब क्या तैयारियां हैं, क्या टिकट के लिए पार्टी ने हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है? बसपा ने, बहन मायावती जी ने इस चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है और उसी के अंतर्गत मैंने ये ज्वाइन भी की है पार्टी के संगठन का को मजबूत करने के लिए दोबारा से, जैसे पहले भी उत्तराखंड में कई विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं बसपा, उसी तरह अब लोकसभा के लिए कमर कस ली गई है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ना, देखिए पति विधायक हैं, निर्दलीय विधायक बन गए, किसी पार्टी में नहीं गए, लेकिन सोनिया शर्मा को क्या जरूरत पड़ी कि बसपा का दामन थामा जाए, निर्दलीय क्यों मैदान में नहीं कूदा गया? देखिए, बसपा एक बड़ा संगठन है और मैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो उनकी विचारधारा है उससे प्रभावित हूँ। आजकल जितनी भी पार्टियां हैं वो धर्म और जाति की राजनीति करती हैं, तो बस मुझे लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके साथ जुड़ के संगठन में कार्य करके मुझे भी सोशल वर्क का और मौका मिलेगा, क्योंकि मैं सोशल वर्क से जुड़ी रही हूँ काफ़ी टाइम से। एक तरफ बीजेपी है जहाँ पर मुकाबला बीजेपी से होना है, खासकर मैं तो हरिद्वार लोकसभा का जिक्र करूँगा, एक तरफ बसपा है, क्योंकि बसपा में चार बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी मायावती उस स्टैंड पे आज मौजूद नहीं है जहां पर होना चाहिए था। तो ऐसे में उत्तराखंड में खासकर जहां पर एक बार भी सरकार बसपा की नहीं बनी, तो वहां पर बसपा का क्या वजूद रहेगा? बहन मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं इतने बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और आज भी वो शोषित वंचित गरीब पिछड़ों की आवाज़ है, वही आवाज़ उठाती हैं ऐसे लोगों के लिए। और रही बात हरिद्वार लोकसभा की, तो कांग्रेस और बीजेपी से अब लोगों का मोह भंग हो गया है, उनका विश्वास उठ चुका है, इसलिए वो एक नया विकल्प जरूर चाहेंगे और उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं संगठन में जुड़े। उत्तराखंड में बसपा का क्या आप देखती हैं वजूद, क्योंकि बसपा का जो क्षेत्र है वो प्लेन में ज़्यादा है जहाँ पर आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, वो वोट बैंक भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या उस हिसाब से उस वोट बैंक को साधने के लिए आपने बसपा का दामन थामा, निर्दलीय वो चीज़ नहीं आ पाती जो बसपा के टिकट पर आएगी, क्योंकि माना जाता है कि बसपा का जो वोट है एक मुश्त वोट जो है वो पार्टी पर पड़ता है, हाथी पर पड़ता है, सिंबल पर जाता है, उसमें कैंडिडेट को देखा जाए ये ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, तो क्या वो हाथी वो वोट आपकी नज़र में है? बसपा का जो कैडर वोट है वो तो है ही, अब जो मैंने ज्वाइन किया है, मैं संगठन में आई हूँ, तो मैं और भी जो सर्व और जातियों के लोग हैं उनको भी साथ में जोड़ के ही कार्य करूँगी, उनको जोड़ने का ही मेन मेरा मिशन रहेगा, सबको साथ लेके चलना है, जो कि मायावती जी का भी मिशन है, सब साथ चलेंगे, हमें कोई धर्म या जाति की राजनीति करनी ही नहीं है। मुकाबला आपका भाजपा से है, आप भी जानते हैं, और एक तरफ मोदी जी का चेहरा, एक तरफ मायावती जी का चेहरा, तो वोट आप मायावती जी के नाम पर मांगेंगे, उधर भाजपा सबका साथ सबका विकास कर रही है, तो चीजें बैलेंस हो पाएंगी? हरिद्वार लोकसभा में दो बार से सांसद रमेश पोखरियाल जी हैं, उन्होंने हरिद्वार को इतना नेग्लेक्ट किया है, हरिद्वार में अभी तक उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि लोगों को उम्मीद थी उनसे, दो बार उन्होंने जिताया, मोदी जी के नाम पे जिताया, अब जनता बदलाव चाहती है और उसी के लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि बसपा को मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा किया जाए, बल्कि अपना सांसद बना के पार्लियामेंट में भेजा जाए। देखिए, दो बार सत्ता उत्तराखंड में भी रही है, केंद्र में लगातार दो बार बीजेपी रिपीट हो चुकी है, उसको डिफीट करना, बीजेपी की नीतियों के विरुद्ध बसपा की नीतियों को जनता के बीच बचाना बताना, क्या ये आपके लिए चुनौती नहीं होगा? पहले से ये संगठन इस पे ही काम कर रहा है, उन्हीं लोगों की आवाज़ उठा रहा है जो आज भी जो उनको उम्मीद थी भाजपा से वो पूरी नहीं हो पाई, तो आज भी वो लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमें ठगा जा रहा है, तो बस अब सब लोगों को साथ लेके चलना है जो परेशान हो चुके हैं कांग्रेस से और भाजपा से, वो अब बसपा का ही रास्ता अपनाएंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है।